लाइक ऑल आवर व्लॉग्स, और लाइक भी कर दिया करें, लाइक नहीं करते आप, सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इब्तिसाम खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। सर्दियाँ तो अब चली गई हैं, सर्दियों को हम सब ने कर दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे लॉन के सूट्स स्टार्ट होने लगे हैं। चलिए फिर देर नहीं करते, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा व्लॉग है, जैसे आपको पता ही है कि हम इतने बड़े बड़े व्लॉग्स नहीं बनाते, बहुत ही छोटे व्लॉग्स होते हैं, तकरीबन 4 to 5 मिनट। ऑलराइट जी, आज हमारे घर में बन रही है मकई की रोटी। वैसे यूजुअली हम चावल की रोटी बनाते हैं साग के साथ, लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, और चेंज में हमने मकई की रोटी यूज़ की है आज। तो ये रही मकई की रोटी, लेट मी शो यू क्लोजली, और खा के बताते हैं कैसी बनी है। ऑब्वियसली बहुत मज़े की बनी होगी। रोटी का जो आटा है वो किस तरह नीट किया जाता है, किस तरह गूंदा जाता है, दिस इज़ द वे। अगर इस तरह नहीं गूंदेंगे तो रोटी आपकी सही नहीं बनेगी। तो ये रही मकई की रोटी, और इसके साथ हमारे पास है साग। अब मैं आपको साग दिखाती हूँ। ये साग का मौसम है, और ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा ख़त्म भी होने वाला है ये मौसम, तो हमने इसको फ्रोज़न कर दिया है, फ्रीज करके रखा हुआ है, क्योंकि बाद में ये आपको सिर्फ कैंस में अवेलेबल होता है। तो ये आपका अपना घर का साग होता है, विच इज़ फ्रेश एंड विच इज़ टू गुड। तो अब हम खाते हैं। थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं असली घी, क्योंकि असली घी का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। लेकिन थोड़ा सा असली घी ऐड करने से इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जो रोटी है ये रहा असली घी। खुशबू आप लोगों को नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आ रही है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरोमा आ रहा है मकई की रोटी पे असली घी लगाकर। अब हम साग के साथ खाएंगे रोटी, जो अब हम खाने लगे हैं। ठीक है, तो अब हम खाते हैं और आपको बाद में बताएंगे कि ये कैसी है। खा के देखो, उससे शाम खा के देखता हूँ। बैठो, आओ ना, बैठ जाओ। तो इब्तिसाम तो रेडी हो गया है भाई, इसको तो हिज माउथ इज वाटरिंग के साथ में साग है और मकई की। एक मॉर्सल लिया आपने, मजे का है। चलो जबरदस्त। इब्तिसाम खान को इंस्टाग्राम पे भी इसको फॉलो कर लें, टिकटॉक पर भी इब्तिसाम खान को फॉलो कर लीजिए, और ऊपर मेंशन की हुई हैं आईडीज़, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो इब्तिसाम और ज़्यादा एनकरेज हो जाएगा। ये है इब्तिसाम का न्यू वीडियो। आपको पता है कि हम साउंड लगा नहीं सकते, वरना कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं, हालांकि अपनी वीडियोज़ होती है लेकिन इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाएँ, टिकटॉक पर जाएँ, और इब्तिसाम को फॉलो करें, और इसके फॉलोअर्स को बढ़ाएँ, और लाइक्स ज़रूर दिया करें। तो कीप सपोर्टिंग इब्तिसाम।